ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। 19वीं स्टर्लिंग ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आयोजन करोल बाग में हुआ। इस आयोजन में एसोसिएशन के महासचिव श्री चेतन नोहवार द्वारा स्वागत भाषण के साथ शुरू किया गया। इस आयोजन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और सर्वश्रेष्ठ छात्रों को एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह के द्वारा पुरस्कार दिया गया। श्रीमती दीपिका दत्ता, श्री सुधीर माने सहित सभी राज्यों के सदस्य इस आयोजन में शामिल हुए। इस बैठक के मुख्य एजेंडे थे डोजांग पंजीकरण प्रणाली से संबंधित कुछ नए परिवर्तनों पर चर्चा, रेफरी कोच की शुरुआत, आगामी राजकुमारी कप के बारे में चर्चा और दो STAI इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप खोलना। समिति के सदस्यों और तय पद के सभी उम्मीदवारों ने सदस्यों के साथ अपना परिचय दिया और उनके नामांकन के लिए एजेंडा और विजन रखा। बैठक के दौरान ऑनलाइन मतदान किया गया और उसका परिणाम एक निश्चित तिथि पर घोषित किया जाएगा। जितेंद्र सिंह द्वारा किए गए समापन समारोह में श्रीमती रेखा सिंह को उनकी कड़ी मेहनत और STAI विकास की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ आइकॉन अवार्ड दिया गया। जितेंद्र सिंह स्टर्लिंग ताइक्वांडो एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हूँ और रिसेंटली मैं फोर्टन ब्लैक बेल्ट हूँ, क्योंकि वहाँ से जैसे ताइक्वांडो फाउंड हुआ है। और मैं आज यहाँ पर वोटिंग डे है और मैं प्रेजेंट पोस्ट के लिए खड़ा हुआ हूँ। कैसा लग रहा है और क्या उम्मीद करते हैं? मैं जब से फाउंड हुई है मैंने काफ़ी काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेट्स सी, देखते हैं आज आफ्टर वोटिंग क्या रहता है कि मैं प्रेजेंट रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, वो आफ्टर वोटिंग ही मालूम पड़ेगा। पूरे साल का जो देखा जो आपने आज मेंबर्स को दिया, क्या थोड़ा भी और मीडिया को भी देखा? देखिए, जो आज यहाँ पर मेन जो AGM था वो फ्यूचर प्लानिंग था। जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, और सबसे ज़्यादा इसमें जो बात की गई वो स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए की गई है। जैसे लास्ट टाइम हमने फर्स्ट STAI इंडिया ओपन कराया गया था, उसके जो कमी रह गई है तो हम चाह रहे हैं कि वो सेकेंड STAI इंडिया ओपन में वो मिस्टेक्स ना हो, और उसी की प्रिपरेशन का सारी मीटिंग रखी गई है फ्यूचर के लिए। और सेकेंडली है अवार्ड्स दिए गए थे। बार बार एक वर्ड यूज हो रहा था कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ये क्या? देखिए क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अपना बॉडी होती है, स्टेट बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर अकेडमीज वर्क करती है। पहले क्या होता है, जो बच्चा जब प्ले करता है तो सबसे पहले बच्चा आके डिस्ट्रिक्ट में प्ले करता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जब बच्चा विन करता है तो आफ्टर दैट वो स्टेट इवेंट पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद बच्चा नेशनल देन इंटरनेशनल प्ले करता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस मेन विजन को लेकर चल रही है? देखिए, हमारा मेन मोटो है कि बच्चा वर्ल्ड लेवल तक पहुंचे, क्योंकि मैं ओलंपिक नहीं कहूँगा क्योंकि ओलंपिक लेवल एक बहुत बड़ा लेवल है, उसका एक अलग सिस्टम होता है, लेकिन ये कि जो मेरे हाथ में है उतना मैं बच्चों को आगे ले जा सकता हूँ, लाइक इंटरनेशनल और वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं कोरिया में। और इसके लिए क्या क्या प्रयास आप कर रहे हैं? देखिए, इसमें क्या है, मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी हैं पूरी हमारी टीम मेंबर्स प्रयास कर रही है और लगे हुए हैं। साथ में जो हमारा सेक्रेटरी है STAI के, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर चेतन नोहवार जी, वो भी इस चीज में लगे हुए हैं कि हम जितना जितना हो अपना बेस्ट इसमें हम कूदते हैं।
धन्यवाद। मेरा नाम रुचिता रावत है, मैं एसटीएम में ट्रेसदार की पोस्ट पर हूँ एंड एसटीएम में कोच भी हूँ। समस्याएं तो हमें आती है बट हमें समाधान भी खुद करना पड़ता है, इसके लिए हमें ब्रेव होना बहुत जरूरी है। और क्या आप आगे लड़कियों को बोलते हैं कि किस प्रकार से वो आगे ब्रेव हों और आगे बढ़े? सेल्फ डिफेंस हम पूरी तरह से सिखाते हैं उन्हें, उनके अंदर मतलब हम सेल्फ डिफेंस की भावनाएं जगाते हैं कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, ताकि आज जो भारत देश में सब ये समस्याएं देखने के लिए मिलती है वो हमें न दिखे। मेरा नाम सुजैन लामा है और मैं एसटीएम में भी 2-3 ईयर से हूँ एज अ कोच। कैसा लगता है कोचिंग करते हुए? और कोचिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक तो, और मैं होप कि आगे भी अच्छा रहे, और जितने भी बच्चों को मैंने ट्रेन किया है वो बहुत अच्छे करते हैं और मैं भी ट्राई करूँ कि अपना बेस्ट दूँ। जोशी है, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर एंड ऑफिशियल एसटीएम में 3 ईयर से काम कर रही हूँ। तो कैसा लगता है काम करके? मुझे बहुत अच्छा लगता है, टाइक्वांडो मेरा मतलब फेवरेट है, जब से मैंने स्टार्ट करा है जब से अभी तक मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा टाइक्वांडो करने से या सेल्फ डिफेंस करने से बहुत ज़्यादा। अब तक कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके? मेरा तो 1000 या होगा उससे आसपास, लेकिन बच्चों को ट्रेनिंग देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्ल्स को कॉन्फिडेंस देना कि हम मतलब कभी भी कहीं भी जाएं तो हमें डर ना लगे, डर नहीं लगेगा तो हम सामना कर सकते हैं चाहे हमें कुछ भी कितना भी आता हो। आपका बच्चा कोई स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे गया? हाँ जी, अभी इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लाए मेरी, और वो भी गर्ल्स है, गर्ल्स लगे दीपिका, हाँ जी वो गोल्ड मेडल लाई है। कहाँ पर? इंटरनेशनल एसटीआई इंटरनेशनल चैंपियनशिप में। मेरा नाम राजवी सिंह है और मैं एसटीआई मेंबर हूँ। मैं आज यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। होप सो। और इस गेम का फ्यूचर क्या देखते हैं? इस गेम का फ्यूचर ये है सर, मैं 22 इयर्स से ताइक्वांडो में लगा हुआ हूँ और जब से एसटीआई में आया हूँ तो एज ए प्रमोशन ही मिल रहा है और हम चाहते हैं कि ताइक्वांडो जितना हो सके सक्सेस हो और जितने ताइक्वांडो प्लेयर हैं उनको आगे खेलने का मौका मिले और वो अपने कैरियर को बना सके। आपका परिचय? मेरा नाम अरुण है और मैं स्टर्लिंग ताइक्वांडो से पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी मैंने बहुत सी एसोसिएशन देखी है पर जो स्टर्लिंग में जो चीज़ जो डिसिप्लिन को लेकर हर एक चीज़ एक मैनेज में चलती है, इवेंट जो भी होते हैं एक डिसिप्लिन में होता है, सारे कोचेस वगैरह सब एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, सब ड्रेस में होते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं एसटीआई के साथ 10 साल से हूँ, सेकेंड ब्लैक बेल्ट हूँ। और कैसा लग रहा है आज की मीटिंग में आके? आज की मीटिंग में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। क्या 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 एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। सर माय सेल्फ सर अजीत सरोज, मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट से जुड़ा हूँ एज अ कोच, अभी मैं रिसेंटली करंट वर्क कर रहा हूँ हरियाणा स्टेट से लेकर। कैसा लग रहा है आज की मीटिंग में आके और गेम का क्या फ्यूचर देखते हैं? सर मीटिंग में आके मैं बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी कुछ न्यू कोच इससे भी मिला हूँ और हमारी जो इस आज की मीटिंग में जो जो बातें हमने करी हैं आगे के फ्यूचर के लिए और जिस चीज़ पर हमारा टॉपिक आगे नेक्स्ट बच्चों में फ्यूचर के लिए मतलब फाइट उनको इम्प्रूवमेंट और आगे लेवल पर खिलाने के लिए, तो उस चीज़ पर हमने वर्क करा है और इस वजह से जो हमने अभी आज टॉपिक करा उस पर हम जरूर वर्क करेंगे। उसका फ्यूचर सर बहुत ही अच्छा है, अगर देखा जाए तो अगर दे के चले हम सब फ्यूचर तो काफ़ी गुड है। मेरा नाम केशव है, मैं स्टर्लिंग टाइगोडो एसोसिएशन से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी ब्लैक बेल्ट हूँ और सीनियर कोच। अपने एसोसिएशन की क्या सबसे अच्छी चीज़ लगती है? सर हमारे एसोसिएशन की जो चीज़ है वो है सबसे अच्छी डिसिप्लिन और हम एक रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा होता है बच्चों का, जैसे हम लोग अच्छे से जितना भी अच्छा हो सके उन लोगों को डिसिप्लिन से बच्चों को अच्छी नॉलेज देते हैं हम लोग, जिससे उनका आगे चैम्पियनशिप में और हमारा भी चैम्पियनशिप में और उनके हर स्पोर्ट्स में हर इवेंट में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों का। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं स्टर्लिंग में 3 साल से वर्क कर रही हूँ और स्टर्लिंग में मेरी पीआरओ की पोस्ट है।
ये जो प्रिंसेस कप हो रहा है उसके अंदर कितने स्टेट से लड़कियां आएंगी? दिल्ली का ही है, कितनी उसमें उम्मीद है? उम्मीद जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें दिल्ली की सारी डिस्ट्रिक्ट्स की गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो क्या 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 एक्टिविटी रहती है उसके अंदर? टैकोंडो की जानते हैं, टैकोंडो। अच्छा, और उसमें कोई अवार्ड भी दिए जाते हैं या? हाँ सर, मेडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, मेडल मिलते हैं। कोई कैश अवार्ड भी होता है? सर अब तक तो नहीं, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि कैश अवार्ड भी गर्ल्स को मिले। मेरा नाम मंजू सिंह ठाकुर है, मैं BSF से हूँ और टाइकोंडो मैं करीब 16 साल से कर रही हूँ और TFTI में अभी मुझे 6 मंथ हुआ है। ये जो आपका अभी प्रिंसेस कप हर साल आप करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हर साल हमारी एकेडमी प्रिंसेस के लिए इसलिए करती है कि ये ना लड़कियाँ ब्रेव हो जाएं। सबसे ज़्यादा लड़कियों का ही मैं ये कहती हूँ सेल्फ डिफेंस, जितनी भी कई लड़कियाँ होती हैं बॉडी से एक्टिव होती हैं, कई लड़कियाँ नहीं होती, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। कई लड़कियों में है ये, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, क्यों? क्योंकि कई लड़कियाँ अफोर्ड कर सकती हैं, कई लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हम लड़कियों को जनरेटली आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस पर काम वर्क कर रहे हैं हम। और हम ये चाहते हैं कि ये और सभी लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है कि सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम लड़कियों को आगे से आगे ले जाना चाहते हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें एवन न्यूज़ टीवी से। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।